फ्रेंड्स, बारिश आने वाली है और बारिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें प्लांट को लेके तब होती है जब 2 से 3 दिन लगातार बारिश होती रहती है और धूप नहीं निकलती है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे प्लांट के जो सॉयल है उसमें फंगस लगने लगती है या फिर पत्तियों में कीड़ों का अटैक होने लगता है, साथ ही चींटियाँ परेशान करती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मार्केट में बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लगातार अपने प्लांट्स पे इस तरह के इंसेक्टिसाइड यूज़ करते रहें, क्योंकि ख़ासतौर पर जब हम घर में सब्जियां लगाते हैं तो उन पर तो हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में यदि आप सब्जियां लगा रहे हैं और केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कुछ ना कुछ घरेलू ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए और ये बहुत हद तक हमारे प्लांट्स को इंसेक्ट से और फंगस से सुरक्षित रखने के लिए कारगर होते हैं। तो इसमें ही मैं एक घरेलू नुस्खा जो कि कपूर का है वो मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप बारिश में अपने प्लांट्स को फंगस से बचा सकते हैं और चींटियाँ और छोटे मोटे जो घरेलू इंसेक्ट जैसे मच्छर, मक्खी आदि रहते हैं, इनसे आप उसका बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये कपूर किसी भी तरह से हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाता है। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ और कितनी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लांट में फंगस जब लगती है, अधिकतर जब हमारे प्लांट में, ये देखिए जिस तरह से रेन लिली का आप प्लांट देख रहे हैं और ये पूरी तरह से पॉट में भरा हुआ है और पॉट में किसी तरह की अंदर जगह नहीं है, तो इस तरह की मिट्टी में फंगस बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से धूप और हवा नीचे नहीं लग पाती है। तो इन पौधों के लिए बहुत ही कारगर उपाय है कपूर का कि आप इसकी मिट्टी में ये कपूर की एक टिकिया इस तरह से रख देंगे तो ये आराम से इसकी गंध से किसी तरह की चींटियाँ, देखिए इसमें इस तरह से आपको चींटियाँ दिख रही होंगी, ये चींटियाँ यदि आप कपूर रख देते हैं तो बिल्कुल से दूर हो जाएंगी। तो ये सबसे अच्छा उपाय है और 6 से 7 दिन जितने दिन ये टिकिया चलती है उतने दिन आप चलने दें और इसके बाद फिर दूसरी टिकिया इसमें रख सकते हैं। तो एक तरीका तो कपूर यूज़ करने का ये है। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स कि आप यदि पत्तियों में किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो उसको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में एक ये छोटी वाली आप एक गोली घोल लें और उसमें स्प्रे पंप में भर के आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। आप देखिए, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि किस तरह से कपूर की गंध से ये चींटियाँ भागती हैं। यदि ये इस तरफ, ये देखिए इतना इतने हिस्से में ये कपूर की गंध से चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ये देखिए। तो ये चींटियों को भगाने का बहुत ही कारगर उपाय है, साथ ही गिलहरी वगैरह जो आती हैं वो भी नहीं आएंगी। ये चींटियाँ आपके जहाँ जहाँ घर बना लिए हैं उनने मिट्टी में, वहाँ पर आप ये गोलियाँ रख सकते हैं। तीसरा तरीका इसको यूज़ करने का है, जब आप छोटे छोटे पौधे तैयार करते हैं, बीज लगा देते हैं, तो उन पौधों को या तो चिड़ियाँ खा जाती हैं या फिर गिलहरी खा लेती हैं। तो इनके लिए आप इसको कपूर को इस तरह से इसके साइड में या तो आप टिकिया रख दें या फिर मिट्टी में ही इस तरह से आप इसको पाउडर करके डाल दें तो ये फंगस भी नहीं लगने देगा और हमारे प्लांट में किसी तरह की इंसेक्ट या चींटियाँ नहीं आएंगी। चौथा तरीका प्लांट में है कि यदि किसी टहनी में या पत्ती में किसी तरह की चींटियाँ ऊपर की साइड में जा रही हैं या फिर ऊपर इंसेक्ट लगे हुए हैं तो इसको आपको उन टहनियों में फंसा के या तो कपूर को इस तरह से रख देना है, ये देखिए मैंने मोगरा प्लांट में रखा हुआ है, तो चींटियाँ नहीं जाएंगी, या फिर आपको एक कपड़े में बांधकर इसे टहनी में लटका देना है तो प्लांट में खुशबू आती रहेगी और इसकी गंध से कोई इंसेक्ट यदि आते हैं तो वो नहीं आएंगे। कपूर को 5वीं तरह से उपयोग करने का तरीका है कि इसको आप जला के इसका धुआं कर सकते हैं जिससे मच्छर भी नहीं आते हैं, साथ ही आसपास का वातावरण बहुत शुद्ध होता है और ये जो कीड़ पतंगे जो बाहर हवा में उड़ते रहते हैं वो भी इसके धुएं से दूर हो जाते हैं। बस ध्यान ये रखिए, आपको सावधानी रखनी है, तेज़ हवा इसको नहीं जलाना है और प्लांट से दूर रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कपूर का इस्तेमाल करके आप अपने गार्डनिंग को बहुत ही आसान और कीड़ों से मुक्त बना सकते हैं। थैंक यू।